रात दागा अस्पताल में हुए मामले के विरोध में मंगलवार को युवक कांग्रेस की ओर से दागा अस्पताल के प्रांगण में आंदोलन किया गया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी भी कही। वहीं इस वक्त पीड़िता के परिजन भी मौजूद। एक और जहां डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन को लोग भगवान और मंदिर का दर्जा देते हैं, वहीं दूसरी ओर डागा अस्पताल लोगों के इस विश्वास को सरेआम तोड़ रहा है। शनिवार की रात डागा अस्पताल में एक ऐसा दिल दहलाने वाला मामला सामने आया जिसे सुन शायद ही आप कभी डागा अस्पताल के प्रशासन और डॉक्टर्स पर भरोसा कर सकते हैं। डॉक्टर की लापरवाही के कारण एक मां ने अपने नवजात शिशु को खो दिया। दरअसल हुआ यूं कि पीड़िता रानी संदेश वासनी की शनिवार को प्रसूति का समय आ गया था। उन्हें 2-3 अस्पताल रेफर किए गए जिसके बाद उन्हें डागा अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान रानी को बहुत दर्द हो रहा था जिसके चलते उनके परिजनों की ओर से अस्पताल प्रशासन को विनती की गई कि रानी को जल्द से जल्द अस्पताल में एडमिट करें, लेकिन अस्पताल ने उनकी एक न सुनी और उनकी सारी विनतियों को नजरअंदाज किया गया। अंततः हॉस्पिटल के प्रांगण में रानी की डिलीवरी हो गई और साथ ही बच्चे की भी मृत्यु हुई। इस संबंध में पीड़िता के पति ने पूरी हकीकत बयां की। मेरा नाम वसीम खान, मैं नागपुर से जिला युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग डागा अस्पताल में खड़े हैं। 2 दिन पहले हमारी बहन रानी संदेश वासनिक के साथ एक यहाँ बहुत शर्मसार हादसा हुआ है, जिसका जाने बोलने को भी क्या बोले। यह हादसा इतना शर्मसार है कि यहाँ का प्रशासन कोई काम को नहीं, इससे देखकर आप बोल सकते हो। 5 सितंबर शनिवार की रात 10:30 से 11:30 के बीच में हमारी बहन जो रानी है वो प्रेग्नेंट यहाँ पे आई है, उसका डिलीवरी पीरियड था और यहाँ पे एडमिट ना लेते हुए उससे पहले कोरोना की जांच के लिए भेजा गया। कोरोना की जांच के लिए वो खड़े हैं, उनके रिश्तेदार और रानी दर्द से तड़प रही थी। उनके रिश्तेदारों ने वहाँ के डॉक्टरों को आवाज़ दी, नर्सों को आवाज़ दी, तो नर्स अपनी हंसी मजाक फ़ोन में बिजी है। डॉक्टरों नर्स जवाब दे रही है कि डॉक्टर खाना खाने गई है। तो ये क्या है, ये डागा का प्रशासन सो रहा है। ये मौत नहीं हुई, ये हत्या हुई है। हमारी बहन रानी वासनिक ने दर्द के मारे तड़प के वही शिशु को जन्म दे दिया और वो जन्म देते हुए ऐसा हुआ कि बच्चे का सर जमीन से टकराया और उसकी वही मौत हो गई। यानी ये कितना शर्मनाक वाक्य है। और यहाँ का जो प्रशासन है वो जवाब दे रहा है कि बच्चा मृत्यु पैदा हुआ। बच्चा मृत्यु पैदा नहीं हुआ, वहाँ पूरे लाइव थे, सब खड़े हुए थे, पूरी चीज़ की वीडियो बनी हुई है, मैं आपको वीडियो बता सकता हूँ। ये बहुत शर्मनाक वाक्य है और यहाँ की जो डी ने डागा की उसको जवाब देना पड़ेगा। इस मामले के विरोध में युवक कांग्रेस आगे आई। मंगलवार को युवक कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में डागा अस्पताल के प्रांगण में आंदोलन किया गया। इस दौरान उपाध्यक्ष वसीम खान ने बीसीएन टीम से बात करते हुए इस वाक्य की घोर निंदा की और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। प्लास्टो कंपनी मध्ये काम करतो वर्कर म्हणून, परंतु माझी मिसेस प्रेग्नेंट असल्या कारणास्तव मी कर्नलला माहेरी कर्नलला तिथे नेऊन दिलं होतं 1 महिन्या अगोदर। आणि माझे कनांचा पण कार्ड काढला होता, कामठीचा पण कार्ड काढला होता आणि डागा हॉस्पिटलचा पण कार्ड काढला होता। त्यानंतर 7 वाजतापासून थोडा दिल म्हणजे त्रास होणे चालू झाला, तर आम्ही कनन हॉस्पिटलला दाखल नेलं। त्यानंतर तिथे नवी सिस्टर असताना त्यांना काही जमलं नाही, तर तिथून आम्ही रेफर करून कामठीला दवाखान्यामध्ये नेलं, PSC दवाखान्यामध्ये। तिथून रेफर करून आम्हाला डागा हॉस्पिटलमध्ये पाठवलं। डागा हॉस्पिटलला पाठवल्यानंतर आम्ही 10 ते 10:30 डागा हॉस्पिटलमध्ये पोहोचलो 10 वाजता। नंतर पोहोचल्यानंतर आम्ही इथून चिठ्ठी वगैरे काढली, चिठ्ठी काढल्यानंतर आम्ही वरती गेलो। वरती जिथे डिलिव्हरी होते तिथे मॅडम होत्या। मॅडमला ते जे चिठ्ठी आहे आणि ते डॉक्युमेंट्स आहेत ते दिलं, सगळं दिलं, आधार कार्ड वगैरे दिलं, पण त्या मॅडम म्हणजे काही लक्ष नव्हतं देत आणि काही बोलत पण नव्हते आणि ते फोनवर बिझी होत्या। आणि आम्ही म्हटलं का सर कुठे गेले, तर सर जेवण करायला गेले, तेव्हा रात्रीचे 12 वाजले होते। 12 वाजले असताना 10 वाजतापासून 12 वाजतापर्यंत 2 घंटे माझी मिसेस तळपत राहिली आणि डॉक्युमेंट्स देत असताना बी तिनं आधार कार्ड चेक केला, पण आधार कार्ड तसंच ठेवून दिलं त्या मॅडमनी। आणि ते फोनवरती बिझी होती, फोनवर बिझी असताना 2-3 माझी आकडसासू, माझी सासू आणि माझी साडी ह्या तिघे पण 2-3 गेलं त्या मॅडमला रिक्वेस्ट करायला लागले की मॅडम डिलिव्हरी होत आहे,
डिलिव्हरी पिरियड चालू झाला, तुम्ही बघा थोडा हात तरी लावून बघा, पण ते मॅडम बोलायला सुद्धा तयार नाही, किती मोठी शर्मसार गोष्ट आहे बघा। म्हणजे प्रशासन काय करत आहे डागा, प्रशासन काय करत आहे, वरतून पालकमंत्री साहेब काय करत आहेत। किसी भी इंसान के लिए उसकी आने वाला संतान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम शायद ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वासनिक परिवार पर क्या बीत रही होगी। वही अस्पताल प्रशासन द्वारा की गई ये हरकत इंसानियत को शर्मसार करती है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।